लगातार 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। अरे भाई बिल्कुल चिंता मत करो, मेरा घायल जरा। सीएम के गले लगकर रोती इस बुजुर्ग महिला का नाम है राजकुमार बाई। राजकुमार बाई की पूरी फसल बारिश और ओलावृष्टि की वजह से बर्बाद हो गई है। सीएम शिवराज जैसे ही अशोकनगर में इस महिला के गांव बजामन पहुंचे तो महिला सीएम को देखते ही उनके पैरों में गिर गई और अपनी परेशानी बताने लगी। महिला को रोता देख सीएम खुद को रोक नहीं पाए और उसे सांत्वना देने लगे। कितनी खेती है? 15 बीघा। चिंता मत करो, अभी देख के व्यवस्था करते हैं। 3 बीघा और होते हैं। सीएम शिवराज ने तत्काल महिला को मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान के तहत 50,000 की मदद का ऐलान कर दिया, जो महिला को मिल भी गई। अब राजकुमार बाई काफी खुश हैं और वो सीएम को आशीर्वाद दे रही हैं। चेक देगा। कौन आया था देने के लिए? वे पटवारी साहब हते, तहसीलदार साहब। कितने बजे आए थे? 9 बजे आए। कुछ कहा अधिकारियों ने? हाँ जी, कहे के जी भाई अम्मा चेक है तुम्हारा, सोमवार के दिन 2 दिन छुट्टी है, सोमवार के दिन आप आइयो मुगाओ चाय के लिए जो चेक लेके आइयो जमा हो जाए बैंक में। ऐसी कही थी हमसे। आपका खाता नंबर भी लेगा क्या? अब खाता नंबर हमने किताब तो दी थी, जो पता नहीं है ले गए क्या नहीं, हम कौन पढ़े हैं साहब। ले तो हमने किताब तो दी, किताब लाई भी जाई थी, हमने जो नहीं देखा। कौन कौन आए थे साथ में? पटवारी साहब हते दो, तुम का तहसीलदार है चीना, तो का तहसीलदार है और बे हते तहसीलदार साहब हते विनेश साहब ले। हां नायब तहसीलदार। सीएम शिवराज इसके अलावा खेतों का मुआयना करने भी गए। हालांकि सीएम शिवराज एक बार खेत की मेड़ पर गिरते गिरते बचे। सीएम ने यहां पर लोगों के सामने अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि सर्वे में कोई गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो तत्काल नौकरी जाएगी। आपको बता दें कि राज्य में पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को काफी नुकसान पहुँचाया है और किसान लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अशोकनगर से राहुल कुमार जैन की रिपोर्ट, एमपी तक।